हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम ये लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का, 2018 मई का जो पेपर है उसका। ठीक है, तो एक अमोनिया आइस प्लांट है जो ऑपरेट हो रहा है एक सिंपल सेचुरेशन साइकिल में, और हमें टेम्परेचर की लिमिट्स दी हुई है। कंडेंसिंग टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एवोपरेटिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमें, -15 डिग्री सेल्सियस। इट प्रोड्यूसेस 10 टन ऑफ आइस पर डे एट -5 फ्रॉम वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, और हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सी आपके आरजीपीवी में 2018 में पूछा गया था, और आप देख सकते हो ये जो पेपर है ईएसई मैकेनिकल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि जो आरजीपीवी में क्वेश्चन पूछे आते हैं उनका लेवल ठीक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब खराब न्यूमेरिकल पूछे आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल पूछे आते हैं। और अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप होपफुली जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो मैं ये वाला सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, आप इसको खुद सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या है कि हमें प्रॉपर्टीज नहीं दी हुई है, तो हम प्रॉपर्टीज यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टीज हम लोग ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। बेसिकली क्या है, एक अमोनिया का आइस प्लांट है, मतलब इसमें अमोनिया को हम लोग यूज कर रहे हैं। अमोनिया को, अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू प्रोड्यूस आइस। ठीक है, टू प्रोड्यूस आइस मतलब अमोनिया को यूज कर रहे हैं आइस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब कितनी आइस प्रोड्यूस हो रही है, 10 टन। तो 10 × 10³ आइस प्रोड्यूस हो रही है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वाटर। वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे है, जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, -5 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना है, 30। तो पहले वाटर क्या होगा, पहले वाटर फ्रीज होगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, और उसमें जो उसकी स्पेसिफिक हीट है वो मल्टीप्लाई होगी, प्लस वाटर में फेज चेंज होगा 335 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमें क्या लेना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो कितनी दी हुई है, 1.94। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1.94 लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए कितना आता है। अब ये जो आएगा बेसिकली ये पर डे में आएगा, रेफ्रिजरेशन प्लांट पर डे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने आइस कितनी ली हुई है, 10 × 10³ पर डे। ठीक है, अगर हमें इसको पर सेकेंड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितना होता है, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हमें इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा बाई 24 × 3600। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54.4 किलोवाट। तो हमारी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी रेफ्रिजरेशन प्लांट की, 54.4 किलोवाट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, 54.4 किलोवाट। ठीक है, तो वाटर पहले 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, फिर उसके बाद उसमें फेज चेंज होगा, और फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट कौन है, रेफ्रिजरेंट है अमोनिया। तो अमोनिया का मास फ्लो रेट कितना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होगा, हमें प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी अमोनिया की 40 डिग्री सेल्सियस पे और -15 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये प्रॉपर्टीज हम लोग कहाँ से लेंगे, ये हम मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहला पार्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए। तो उसके लिए हम जो इसकी डाटा बुक है उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको, तो ये डाटा बुक है इसकी, ये डाटा बुक की एक इमेज है, तो ये काफ़ी स्मॉल है, तो मैं आपको एक दूसरी इमेज से दिखाता हूँ जो थोड़ी बड़ी हो। ठीक है, तो हमें कौन कौन से टेम्परेचर पे चाहिए, हमें 40 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए और -15 पे चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी जो डाटा बुक है उसको खोल लेते हैं। तो हमें किस पे चाहिए, -15 पे चाहिए। ठीक है, तो -15 ये जो है आपका -14 है। ठीक है, ये -16 है। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे, ये -16 है, ये -16 है, और ये -14 है। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं पे -15 होगा, और तो ये जो है इसकी वैल्यूज़ हैं 1442 और 1445। तो आप इसकी देखिए, इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एंथैल्पी की वैल्यूज़ हैं, ये एंथैल्पी की वैल्यूज़ हैं, ये एंट्रोपी की वैल्यूज़ हैं, और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपको इस डाटा बुक की हेल्प से
वैल्यूज लिखनी होंगी, और जब आप उन्हें लिखोगे तब आप इसको आगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज नोट कर ली हैं, लेकिन आपको इस चार्ट की हेल्प से ही वैल्यू लिखनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल -15 पे ये कितना है, 1442 और 1445, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, इस तरह सारी वैल्यूज आपको इसमें से लिखनी है। ठीक है, तो ये माइनस -16 की, और इसके आगे अगर हम देखेंगे तो 40, जो दूसरा टेम्परेचर कितना है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी आप देख सकते हो, 390 और 1490। ठीक है, तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे अपनी साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी जो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी वो कुछ इस तरह से शो होगी। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट वन हो जाएगा, वन से टू पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये अच्छा न्यूमेरिकल है, आपको उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, पॉइंट वन जो है मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट वन है, ये कितने टेम्परेचर पे है, -15 डिग्री सेल्सियस पे, और ये जो अबव टेम्परेचर है ये कितने पे है, ये है 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से कर देता ताकि आपको देखिए, ये 40 डिग्री सेल्सियस है और ये वाला है -15 डिग्री सेल्सियस। अब ये वाली जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है वेपर। तो पॉइंट वन जो है वो क्या है हमारा, वेपर। ठीक है, तो एच वन पे जब आप वैल्यू देखेगा तो एच जी की वैल्यू देखिएगा, एच जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और वो कहाँ पे देखिएगा, -15 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैंने लिख रखी है तो मैं उसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1442 किलो जूल पर केजी। उसके बाद ये पॉइंट टू है और ये पॉइंट टू डैश है, तो पहले हम टू डैश देख लेते हैं। टू डैश जब आप देखेगा एच टू डैश, तो ये हो जाएगा एच जी और ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1420। ठीक है, 1420 किलो जूल पर केजी। इसके बाद एच थ्री जो होगा, जब आप एच थ्री की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, एच थ्री हो जाएगी एच एफ, एच एफ देखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 390 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें बस इतनी डाटा की जरूरत है, तो हम पहले सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाय एच वन माइनस एच फोर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, जो हमारा कितना है, 54.4 किलोवाट। ठीक है, तो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट मल्टीप्लाइड बाय एच वन कितना दिया हुआ है हमारा, 1442 माइनस एच फोर किसके बराबर हो जाएगा, एच थ्री के बराबर हो जाएगा, आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है, ये कितना है 390 इज इक्वल टू 54.4। तो यहाँ से एम आर कितना आ जाएगा, एम आर हमारा आ जाएगा 0.00517 kg/s। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.0517 kg/s, और इसका आंसर कितना था हमारा, 54.4 किलो वॉट। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आइसोट्रॉपिक डिस्चार्ज टेम्परेचर। अब इसको निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोट्रॉपिक डिस्चार्ज टेम्परेचर मतलब ये वाला टेम्परेचर, हमें एच टू पे हमें टेम्परेचर निकालना है। अब एच टू पे अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ, अगर देखता हूँ। ठीक है, अब हमें अगर हमें उस पर डिस्चार्ज टेम्परेचर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम एंट्रॉपी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, एंट्रॉपी बैलेंस को रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं सब करके दिखाता हूँ आपको, कौन सा कलर लें, चलो ये लेते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट टू डैश है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एस टू इज इक्वल टू एस टू डैश प्लस सी पी एल एन टी टू अपॉन टी टू डैश। तो पहले हम टी टू निकाल लेंगे। अब एस टू कितना हो जाएगा, एस टू और एस वन ये वैल्यूज भी आप कहाँ से देखेंगे, जो हमारा चार्ट है उसी से हम इसकी वैल्यू देखेंगे। तो एस टू आप कहाँ पे देखेंगे, एस टू किसके बराबर होगा, एस वन के बराबर होगा, और ये एस वन किसके बराबर होगा, एस जी एट -15 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5.84। ठीक है, आप देखिएगा चार्ट से आपको इतनी मिलेगी। अब एस टू डैश किसके बराबर होगा, ये एस जी के बराबर होगा, और ये
40 डिग्री सेल्सियस पे आपको देखना है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 5.15। हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5.84, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 5.15 प्लस सीपी। अब अभी भी सीपी आपको नहीं पता है, तो सीपी क्या होता है, अमोनिया का जो सीपी होता है वेपर, यहाँ पे हमें सीपी वेपर का लेना है क्योंकि ये हमारा वेपर फेज में आ जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 2.18। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2.18। ठीक है, आप ऑनलाइन सर्च करके इसको देख सकते हैं, 2.18 के समथिंग होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2.18 ln T2 अपॉन T2 डैश कितना है हमारा, ये टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 40 + 273। ठीक है, समझ में आ रही है आपको। अब हम यहां से T2 निकाल लेंगे, तो T2 हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा T2 कितना आ जाएगा, 429.54 केल्विन। ठीक है, अब हमें तो हमारा आइसोट्रॉपिक डिस्चार्ज टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 429.54 केल्विन। ठीक है, अब हमें बेसिकली T2 पता चल गया, तो हम H2 भी निकाल सकते हैं। H2 हमारा कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा H2 डैश प्लस CP ln T2 माइनस T2 डैश। ठीक है, अब H2 डैश हमारा कितना था, 1420, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो हमारा H2 कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा H2 डैश यानी कि 1420 प्लस CP कितना है हमारा 2.18, T2 कितना है हमारा, T2 है 429 और माइनस T2 डैश कितना है हमारा, 40 + 273, तो 40 + 273 मैं कर लेता हूँ, कितना आता है, ये आता है 313। ठीक है, ये आ जाएगा 313। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो और H2 आप निकाल लो, तो H2 आ जाएगा आपका 1742 किलो जूल पर केजी। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। 1742 ये है 1442 और सॉरी 1420 सॉरी ये है 1420 और H3 हमारा मेटल गया, H3 है हमारा 390। ठीक है, 390। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि, क्योंकि हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको सब कुछ। अब मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ और आगे का सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं हुआ क्या, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका फोर्थ पार्ट पे क्या कह रहा है, कंप्रेसर का डायमेंशन निकालनी है हमें, जिसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमें दी हुई है। कंप्रेसर की डायमेंशन निकालनी है जिसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमें दी हुई है। ठीक है, तो हम मैं इसको पूरा ही क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंप्रेसर की डायमेंशन निकालनी है जिसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमें दी हुई है। तो अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब एक्चुअल वॉल्यूम बेसिकली कितना हो जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्वेप्ट वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम बेसिकली आपने पढ़ा होगा आईसी इंजन में, π/4d² इंटू एल इंटू एन। ठीक है, यहाँ पे एन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट है वो किस में दिया हुआ है हमें, रेफ्रिजरेंट हमें किस में दिया हुआ है, kg/s में, इसीलिए यहाँ पे हमें एन को यूज़ करना पड़ा। हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो V1 है, ये वॉल्यूम, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका Vg एट -15°C। तो जो Vg आप देखोगे -15°C पे वो है 0.510। ठीक है, कहो तो मैं आपको देख के बता देता हूँ, चलो मैं एक बार आपको फिर से बता भी देता हूँ। ठीक है, या लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, वरना फिर ये लेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 0.7 इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कितना है आया था हमारा, ये आया था 0.0517 मल्टीप्लाइड बाय V1 हमारा कितना है 0.5
510 डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और यहाँ पे एल और डी में एक रिलेशन दिया हुआ है, एल बाय डी इज इक्वल टू 1.8, तो यहाँ लिख सकते हैं 1.2 डी मल्टीप्लाइड बाय एन कितना दिया हुआ है हमें 1500 आरपीएम, तो 1500 डिवाइड बाय 60 क्योंकि ये रेवोल्यूशन पर मिनट है, अब ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और हमें डी निकाल के बताना डी कितना आएगा 116, ठीक है। आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करिएगा 0.05 से, ठीक, बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, 0.0517, ठीक है, इंटू 0.510, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको डायमीटर मिल जाएगा और एल कितना मिलेगा हमें, एल मिलेगा 140, ठीक है mm। तो हमारा डायमीटर आ गया, लेंथ आ गई, अब हमें लास्ट चीज़ निकालनी है थ्योरेटिकल, और तो कैपेसिटी कितनी आई थी 54.4, मास फ्लूइड और रेफ्रिजरेंट कितना आया था, यह आया था 0.0517, डिस्चार्ज टेम्परेचर ये कितना आया था, ये आया था हमारा 429, और यहाँ पे डायमेंशंस कितनी आएंगे, डी कितना आएगा 116 और एल कितना आएगा हमारा 140 mm, ठीक है। अब लास्ट चीज़ बची है हमें निकालने को, वो है थ्योरेटिकल और एक्चुअल COP, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से। अब थ्योरेटिकल COP जो होगा हमारा, COP थ्योरेटिकल वो कितना होगा, वो होगा T लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय TH माइनस TL। अब लोअर टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, -15 प्लस 273 डिवाइड बाय 40 माइनस -15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा अराउंड 4.69, ठीक है। एक बार करके मैं भी देख लेता हूँ, आप भी एक बार करके देख लो, ठीक है, डिवाइड बाय 40 माइनस -15, ठीक है, ये आ जाएगा हाँ 4.69, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल हो गया। अब एक्चुअल COP हमारा क्या होता है, एक्चुअल COP होता है रेफ्रिजरेशन अफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। अब रेफ्रिजरेशन अफेक्ट हमारा कितना आया था, जो कैपेसिटी प्लांट की थी कितनी थी 54.4। अब वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54.4 डिवाइड बाय मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कितना है हमारा 0.0517, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.0517 मल्टीप्लाइड बाय H2 हमने कितना निकाला था 1742 माइनस H1 हमने कितना निकाला था 1442, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो और बताओ एक्चुअल COP कितना आएगा, ठीक है, एक मिनट ले लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा 3.50, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल COP है, थ्योरेटिकल COP कितना आ गया 4.69 एंड 3.50, ठीक है। कैपेसिटी डी कितना आया था हमारा, डी आया था 116 और एल कितना आया था, एल आया था 140, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक, काफ़ी थोड़ा डिटेल है, थोड़ा देखना पड़ता है, बट अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो इसी के साथ RGPV के जो मई में क्वेश्चन पूछे गए हैं मई 2018 में, वो मैंने सारे करवा दिए हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट है, अब वहाँ से पेपर सॉल्व करना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको सॉल्व करना, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू, ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ, एक लास्ट चीज़ रह गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम देखना। तो मैंने बताया था आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 हमें चाहिए, जो कितनी देखेंगे VG एट -15°C। अभी कैसे देखते हैं मैं बता देता हूँ आपको, मैंने कितनी वैल्यू ली थी इसकी 0.510, ठीक है। तो अब मैं हम दोबारा से अपनी डाटा बुक पर चलते हैं, इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। तो हमें -15 पे चाहिए VG, ठीक है, मैं फिर से इसको खोल लेता हूँ। देखिए ये तो ये है, ठीक है, तो हम -15 वाली लाइन पे जाएंगे, ठीक है। ये वाली हमारी -15 की है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है, ये -16 पे कितना दिया हुआ है 528, और एक मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, ये -16 है, -16 के करस्पॉन्डिंग आप जाओगे तो ये कितनी है 528, और -14 के करस्पॉन्डिंग आप जाओगे तो ये कितनी है 487। अब आप सोच रहे होगे ये सर ये 487 ये 528 है, तो बेटा ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये लीटर में दी हुई है, ये यूनिट किस में है, लीटर पर केजी में है, ठीक है। तो आपको इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 528 और 487, तो -16 पे कितनी दी हुई है आपको 528 लीटर पर केजी,
और -14 पे कितनी दी हुई है आपको, 487 लीटर पर केजी, और हमें चाहिए कहाँ पे, -15 पे। तो मैंने एक एवरेज ले लिया 510 लीटर पर केजी। अब ये 510 लीटर है और एक लीटर में कितने एमएम क्यूब होते हैं, एक लीटर में होते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा 0.510 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।